actual issue is the tiles were laid on the roof where due to the gaps there, there was a seepage inside the house which had actually caused dampness as well as cracks within the roof. सबसे पहले सरफेस प्रिपरेशन के दौरान हमें छत में रहे जो भी टाइल्स हैं उनको डिमोलिशन हैमर या मशीन से उनको तोड़ के निकालना है। हमें ग्राइंडिंग मशीन को यूज़ करके सरफेस को लेवल करना है और स्मूथ करना है। एक बार सरफेस स्मूथ हो गया उसके बाद हमें एयर ब्लोअर यूज़ करके सरफेस को क्लीन करना है और जेट वॉश यूज़ करके पानी मारना है सरफेस में। अगले स्टेप में हम कोविंग बनाएंगे जो एक कर्व सील्ड फिनिश रहेगा जो वॉल और फ्लोर के बीच में गैप को सील करने में हमें मदद करेगा। पीडीफिन 2 के एक टू कंपोनेंट बेस्ड वाटरप्रूफिंग केमिकल है जिसमें एक पार्ट पॉलीमर लिक्विड रहेगा और दो पार्ट सीमेंटिशियस पाउडर रहेगा। दो कोट के लिए पीडीफिन 2 के हमें 6 to 8 स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कवरेज देता है। हमने क्रीड कंक्रीट किया है जिसमें सीमेंट बालू और गिट्टी को 1:4:4 के रेशियो में मिक्स करके जरूरत के हिसाब से पानी यूज किया है। अगले स्टेप में क्रीड कंक्रीट को क्यूरिंग करने के लिए हमने बंड बनाया है जिसके बदौलत स्क्रीड में पानी भरकर क्यूरिंग किया है। 7 दिन तक ऐसे ही छत में क्यूरिंग करने के बाद ये छत हो गया था रेडी। I would say this would be a better option for us to fix the seepage issue within the house. And we have a warranty of 5 years as well so that they can take care in case if there are further issues as well.